हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आइए हम बनाते हैं आज बैंगन का भरता। उसके लिए चाहिए हमें एक बैंगन और उसे दो तीन लहसुन कलियां। बैंगन को हम चाकू की मदद से ऐसे चीरा लगा देंगे और उसमें डाल देंगे कुछ लहसुन की कलियां, इस तरीके से आप देख रहे हैं, और एक हरी मिर्च इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। अब इसमें हम लगाएंगे सरसों का तेल। पहले उस चीरा के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल हम अंदर में ड्रॉप, दो तीन ड्रॉप डालेंगे और बैंगन के ऊपर पूरे अच्छे से सरसों का तेल लगा देंगे और इसे हम बैठा देंगे गैस पे सिकने के लिए। अच्छे से उलट पलट के सेकेंगे हम टमाटर और बैंगन दोनों को, जब तक ये बैंगन पूरा गल ना जाए। हम चेक कर लेंगे चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से अंदर में डाल के एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि बैंगन गला है या नहीं। मेरे बैंगन गल गए हैं। अब इसे हम छिलके को छील लेंगे ठंडे करके बैंगन को। बैंगन थोड़ा गर्म है। अब मैंने छील लिया है बैंगन को और इसके डंठी को हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर जो लहसुन और मिर्च हमने डाले थे उन्हें हम निकाल के अलग साइड में रख देंगे। और इस बैंगन को ऐसे मैश कर लेंगे और टमाटर को भी इस तरीके से चम्मच से खोप के मैश कर लेंगे। मैंने मैश कर लिया है टमाटर और बैंगन दोनों को। अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। बैंगन का भरता है तो सरसों के तेल में ही बनाएं। सरसों का तेल डालेंगे और उसमें जो लहसुन और मिर्च हमने साइड करके रखे थे उन्हें थोड़ा मैश करके हम तेल में डाल देंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे एक प्याज बारीक कटे हुए एक प्याज। इस प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हम डालेंगे एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे चलाएंगे। इसमें डालेंगे जीरा और धनिया पाउडर, नमक, हल्दी। इसे अच्छे से भूनेंगे। मैंने एक आलू बॉईल करके रखे थे, इस आलू को हम ऐसे अच्छे से मैश कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे थूर के। अब हम बैंगन और टमाटर जो मैश करके रखे थे वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाते हुए हमने जो प्लेट में बैंगन और टमाटर रखे थे उसे धो के थोड़े से पानी उसमें डालेंगे और अच्छे से उसे मिला लेंगे। इसे अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मैगी मसाला। गाइस, अगर बैंगन का भरता दो तरीके का होता है, एक ऐसे सान के बनता है और एक फ्राई करके। अगर फ्राई वाला बनाए तो आप मैगी मसाला ज़रूर डालें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और मैगी मसाला डाल के हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे। कम ज़्यादा हुआ आप टेस्ट करके डाल लें। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। अच्छे से, और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल डालेंगे। बैंगन का भरता है चाहे जैसे भी बनाए, कच्चा सरसों का तेल तो पड़ता ही है। इसमें कच्चा सरसों का तेल का स्मेल जो आता है वो बहुत बढ़िया लगता है। तो हम डालेंगे कच्चा सरसों का तेल। तो लीजिए, हमारा बन गया झटपट से बैंगन का यम्मी सा भरता। और अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो आज सैटरडे है और सैटरडे का मेन्यू मेरा है खिचड़ी, बैंगन का भरता, लौकी का रायता और पापड़। बैंगन का भरता मेरा,
और जो मैंने लौकी का रायता बनाया है वो लौकी का रायता की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने वीडियो मेरे अपने चैनल पे मैंने ऑलरेडी लौकी का रायता का रेसिपी डाली हुई है। बहुत ही मज़ेदार होती है और लंच में अगर हम लौकी का रायता खाते हैं तो हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं तो रोज़ बनाती हूँ। आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए खाने के साथ। बहुत सिंपल तरीके से बनती है, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे लौकी का रायता का वीडियो है। सो ये रहा मेरा टुडे मेन्यू, सैटरडे का मेन्यू है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।